हमें आते ही साथ पेरिस का स्वाद मिला है। आगे स्वाद चोरी अच्छा है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट डे होता है, ये भाई साहब को तो निकलना ही है, मतलब होना ही है। वहाँ पे एक रोबोटिक डॉग है, और हिमाद्री के हील्स चोरी हो गए। बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये रात को बहुत अच्छा लगता है। कोई टाइम पर रह कर भी कैसे लेट हो सकता है। वहाँ जाके I'll show you guys everything. And कल का दिन बहुत hectic होने वाला है, so I'll let you guys know everything tomorrow or maybe like when I reach the hotel. See you guys in a bit. हमें आते ही साथ पेरिस का स्वाद मिला है। आगे स्वाद चोरी मैं बताती हूँ। हिमू को स्वाद लेना अच्छा लगता है चीजों का, चटोरी। हाँ, ये औरत ने मुझे बोला। सो हम लोग जब ट्रिप्स पे जाते हैं सो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट दोनों इक्वल डालते हैं, ठीक है, और एक कॉमन पाउच होता है। लेट्स से 10,000 हिमू ने डाले, 10,000 मैंने, 20,000 से खर्चा होगा। जैसे वो खत्म होगा हम फिर से रिफिल करेंगे, ये तो आप लोग समझ गए। तो हिमाद्री और मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा डाला था पाउच में अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेंसेस। होटल ऑलरेडी प्रीपेड था जहाँ पे हम है, बिकॉज कल हम पेरिस फैशन वीक करने आए हैं यहाँ पे। सो होटल हिमाद्री का बुक था, होटल की पेमेंट हो रखी है। तो पेरिस में ही होता है, व्हेन यू चेक इन टू अ होटल यू हैव टू पे सिटी टैक्स, जिसका मैंने देखा था अराउंड 3200 का होता है टू नाइट्स का। टिपिकली आप जहां भी ट्रैवल करते हो ये लेते ही है पैसा, बट टिपिकली इट्स 100% रिफंडेबल। बट यहाँ पे आई थिंक सिटी टैक्स इज नॉट रिफंडेबल, सिटी टैक्स इज फॉर द सिटी, एंड ये लोग 50 यूरोज अलग से लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पे। 100% रिफंडेबल, वो 100% रिफंडेबल है अगर डैमेजेस करते हो आप रूम में तो, ठीक है। चलो ये सब समझ आ गए। तो हिमाद्री और मैंने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज है और प्लस पेरिस में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, आपने देखा है कितना सारा लगेज है, तो हमने सोचा कि हम आज टैक्सी करते हैं। तो उबर चलते हैं यहाँ पे और बोल्ट चलता है, ठीक है। तो उबर थोड़ा सा भांति को एक्सपेंसिव दिखा रहा था, तो मैंने कहा मैं बोल्ट कर लेती हूँ। मैंने बोल्ट पहले यूज कर रखा है, तो अराउंड 30 के आसपास आ रहा था, ठीक है। और वो 7.8 पता क्या था, इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा मनी, 7.8 वॉज डिस्काउंट। अच्छा, ओके, हाँ, सो इट वॉज 8 यूरोज का डिस्काउंट हमें मिला था, क्योंकि 39 point something का हमारा बोल्ट हुआ था, समझ लो 40 समझ लो, तो कितना 4,000 रुपए हुआ एयरपोर्ट से यहाँ आधा घंटा। तो भांति ने कहा शायद 7.8, शायद मेरे को समझ नहीं आया क्या था क्योंकि फ्रेंच में लिखा हुआ था, तो दीदी ने कहा शायद एक्स्ट्रा देने हैं। तो मैंने 100 निकाले क्योंकि मेरे पास 100 यूरोज ही थे, तो हमने उसे बोला, उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। तो मेरे हाथ में पाउच था क्योंकि आई थिंक आई वॉज रेडी कि वो मेरे को चेंज देगा, तो मैं पाउच में डायरेक्टली डाल दूंगी। शायद मेरे हाथ से पाउच छूटा कार में और हम आ गए होटल में, और फिर ना जब हम होटल आए ना वो बंदी, हम होटल वाले लोगों से हमने चेंज लिया, तो वो चेंज नहीं लगी, तो पिकअप पाउच होने लगी। हमने कहा फक, ये तो पाउच गया है यहाँ से, और वो ड्राइवर चला गया। हमने 31 का हमें पड़ा था वो बोल्ट, तो हमने उसको 40 दे दिया क्योंकि हमारे पास चेंज नहीं था, होटल के पास भी चेंज नहीं था, तो हमने 40 यूरो दे दिया, मतलब 4,000 रुपए दे दिया हमने, जबकि 3100 था, 800 रुपए हमने एक्स्ट्रा टिप दे दिया क्योंकि था ही नहीं पैसा। और उसे काफी हेल्प करा लगेज, हाँ, मतलब काफी ज्यादा हेल्प करा उसने, ओके, तो हमने दे दिया। अब रियलाइज हुआ कि अरे उसमें मेरा पुराना पासपोर्ट पड़ा हुआ है उस पाउच में, और हमारे जो कॉमन मनी के पैसे, एंड काफी अच्छे खासे पैसे है, ठीक है, उसमें समझ लो अच्छे खासे पैसे है वहाँ पे। मैंने कहा फक, भांति दी शर्ट वहाँ पे छूट गया, और मेरे पास नेट नहीं, तो मैंने कहा भांति को फटाफट से मुझे वो दो अपना वो इंटरनेट हॉटस्पॉट करो। आई कॉल्ड हिम, तो फिर पहले तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, तो वो नहीं हो पाया। फिर आई कॉल्ड हिम अगेन, तो आई गेस वो फ्रेंड ही बोल रहा था, उसने बोला अपने फ्रेंड को दो, उसको लगा मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तो उसने बोला अपनी कोपिन को दो, अपनी फ्रेंड को दो बात करने के लिए फ्रेंच में, क्योंकि वो उसको इंग्लिश नहीं आती थी। फिर शायद उसको भी, भांति का भी शायद ठीक से उसको समझ नहीं आया, तो फिर हमने रिसेप्शनिस्ट जो बंदी थी यहाँ पे होटल वाली, उसने बात की कि एक कोई पिंक पाउच है, तो उसे चेक किया, तो कहता है हाँ पिंक पाउच है। तो
मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, पैसे थोड़े बहुत जितने हैं वो है और पासपोर्ट तो मिल जाएगा मेरे को, चाहे पुराना पासपोर्ट है पर पासपोर्ट पासपोर्ट होता है। उसमें कितने यूरोज थे, हमने 600 यूरोज रखे थे, 300-300, और उसमें से 100 निकाले थे तो बचे 500 यूरोज, ठीक है। और जब वो आया तो मैंने पाउच ऐसे ऊपर से देखा और ना उसे फटाफट से गाड़ी भगाई, ठीक है। उसने कहा ऑल द बेस्ट, ओके। मैंने कहा मैं ऐसी बुकू करके मैं आ गई। मैंने खोला, मैंने सबसे पहले काउंट किया तो उसमें 400 थे। तो उसने 100 यूरो खाए, पासपोर्ट दिया, उसे पूरा पाउच खोल कर दिया मुझे। एंड जब तक मैं कुछ बोलने लगे वो भाग गया था कार लेकर। तो सॉर्ट ऑफ हमारा कैब पड़ी है 14,000 और हमें स्वाद मिला है इस चीज का, क्योंकि यहाँ पे पेरिस में बहुत चोरियां होती है। एयरपोर्ट पे भी भांदीदी का बैग चोरी होने वाला था, क्योंकि भांदीदी इस कैब ड्राइवर को ढूंढने लगी थी एंड वो कहीं आगे कहीं था। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इतने सारे लोग ना टैक्सी का वेट कर रहे थे, तो तुम ना निकल ही नहीं सकते, बहुत रश था। भांदीदी ने अपना ट्रॉली में अपना बैकपैक पीछे छोड़ रखा था, भांदीदी के बैग में पैसा था। वहाँ पे दो फ्रेंच लड़के थे, तो एक लड़का था गंजा गंजा सा, वो ना लड़कियों और टूरिस्ट को ना बार बार बोला था कि आई हैव अ वैन, आई हैव, बहुत क्रीपी तरीके से, आई हैव अ वैन, आई हैव अ प्राइवेट वैन, इट्स बिग, कम कम, आई गिव यू डिस्काउंट करके ना। और तो जैसे उस भांदीदी गई ना, उस समय दोस्त को, थैंक गॉड मैं वहीं पर थी, उस समय दोस्त को बोला कि वो बैग खाली हुआ, कि वहां पे जाओ, बैग खाली हुआ, वहां बैग खाली हुआ। और मैंने उसको देखा, मैंने फटाफट से बैग लिया और मैंने ऐसे के साइड में, और वो मुझे बोले जा रहा कि वे आर यू गोइंग टेल मी, और मैंने ऐसे करके मैं पीछे खड़ी हुई थी। और ना आज वो बैग भी जाता, आज ये वाले पैसे भी जाते, मेरा पासपोर्ट तो जाता ही जाता, और फिर बस हो जाता यूरो ट्रिप, ये फिर हमें कल का फ्लाइट पकड़ के वापस आना पड़ता क्योंकि सारे पैसे वहीं पर खत्म हो जाते। बट लेसन लर्न, फर्स्ट डे भांदी को मैं ये बोली थी, फर्स्ट डे हमेशा खर्चा होता है, हमें स्वाद मिल गया है। एंड नाउ, और हिमादी मुझे ऐसे बोल रही, दीदी ध्यान रखना है, हाँ कैश का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एटलीस्ट 400 रुपए तो दिए उसने, उसका बस चलता वो 550 भी ले सकता था, है ना। देखो मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ यहाँ पे, 500 मतलब बहुत, ऑप्टिमिज्म ले ले, 500 तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। चलो ठीक है, 14,000 का हुआ, कोई बात नहीं, देख लेंगे वो, फाइन, कोई नहीं, होता है, सीख लिए हम। तो अभी भांदी को स्ट्रेस का मैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में भांदी को थोड़ा सा वो करो कि कोई नहीं दीदी, पहली बार होता है, पहला अलग सा देश है, अब कभी हुए नहीं। और यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा भाई हमें रूम में, भाई भाई हम एक बुटीक होटल करके एक जगह पे रुके हैं, दिस इज अ होटल, वी आर हियर जस्ट फॉर वन डे एंड देन डे आफ्टर टुमारो वी स्विच्ड एंड वी गो टू अनदर एयरबीएनबी। तो वो सब मैं दिखाते रहूंगी, बस यहाँ पे इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि पेरिस फैशन वीक के लिए यहाँ से पास है वेन्यू, एंड यहाँ पे रूम थोड़ा सा बड़ा है एंड मेरे सारे टीम मेंबर्स वगैरह इसी होटल में रुक रहे हैं, तो दैट्स दैट। अभी भांदीदी और मैं यही है, मुंबई से जो मेरी टीम आ रही है, जिस एजेंसी के साथ मैं टाइड अप हूँ, मंक, दे आर कमिंग एंड दे लैंड टुमारो, दैट इज अराउंड लाइक इन द मॉर्निंग 7-8 AM। बट रूम ऐसा सा कुछ दिखता है, मैं दिखा देती हूँ आपको। बिफोर आई शो यू गाइज द रूम, प्लीज भांदी को थोड़ा सा दिलासा दो। एनीवेज, तो दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक, इट्स प्रीटी सिंपल, कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट ऐसा ऐसा कुछ है। हम यहाँ पे आए तो दिस इज द रूम, यहाँ पे वॉशरूम, भांदी जी की अरे टॉयलेट कहाँ है, फिर हमने डिस्कवर किया यहाँ पे टॉयलेट है एंड इस शावर एरिया में दरवाजा नहीं है, सो हम ऐसे खुला नहाना है हम लोगों को दोस्तों, लाइक एकदम खुला है ये सीन, देयर इज नो डोर, देयर इज नो पर्दा। इनका भी हिसाब आई थिंक आई विल हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे दे हैव नॉट प्रोवाइडेड बॉटल वाटर एंड आई थिंक यहाँ पे सीधा नलके से ही पीते हैं लोग पानी, नॉट वेरी श्योर, यहाँ पे जेट्स भी नहीं होते हैं। सो द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेरिस एवरीवन, इट इज सच अ ब्यूटीफुल डे, करंटली इट्स नॉट रेनिंग सो आई एम वेरी हैप्पी, बट इट इज नॉट सनी ऑल्सो, पर चलेगा चलो, मेरे को इस चीज का स्ट्रेस है कि आज हम बारिश में गए शूट करेंगे, बट बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, आई लव द ठंडी ठंडी हवा, लविंग इट। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा बिकॉज आई थिंक मेरा रूम काफी कोजी हो रखा है एट दिस पॉइंट, एंड रात को कुछ कुछ चीजें हुई है, इस खिड़की का वो विंडो का वो पर्दा गिर गया है अपने आप, सो लाइक अ फ्यू थिंग्स हैपेंड, बट इट्स ओके, अभी हम बात करेंगे, हमें केटल मंगवाना है, मेरा पिंपल इतना ज्यादा मोटा हो गया है दैट आई कैन नॉट डील विद दिस राइट नाउ, बट होपफुली मेकअप से थोड़ा सा ये छुप जाए। एंड हमेशा का सीन है ये दैट जब भी आई एम ट्रेवलिंग एंड कुछ इंपॉर्टेंट डे होता है, ये भाई साहब को तो निकलना ही है, मतलब होना ही है, मतलब ऐसा कोई आया ही नहीं कि ये ना आए, तो ये जरूर आए और अपनी शक्ल दिखा रहे हैं ये। कौन है? क्यों? But I'm loving the weather. It's so nice. रात को बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि the bed was comfortable, so I'm happy about that. And with that being said, बीच बीच में थोड़ा सा डरावनी
सपने आए बिकॉज जो भी कल हमारे यहाँ से मेरे पाउच से पैसे चोरी हुए, आई नो इट वॉज माई फॉल्ट, थोड़ा सा केयरलेसनेस हो गई थी, पर बारिश हो रहा था एंड हमें इतने बड़े बड़े लगेजेस लेकर इधर आना था एंड आई हैड टू लाइक बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था। भानदेवी भी बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी ओवरवेल्म एंड आरसक का रिकॉर्ड रहा है, मैं इतने सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स गई हूँ और आरसक मेरा कुछ भी नहीं खोया है और दिस इज द फर्स्ट टाइम लाइक मेरे पैसे खोए हैं। तो ठीक है, ओके फाइन, लाइक इस पे अब इतना सोच कर और रोकर कुछ मिलने तो नहीं वाला, ऐसा तो है नहीं कि पैसे वापस आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, अब अपसेट होने का भी नहीं, हो गया, सीख लिया, ये है। एंड ऑनेस्टली मैं जितने भी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे गई हूँ ना, वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज द फर्स्ट डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट डे इन अ न्यू कंट्री बिकॉज यू आर फिगरिंग आउट स्टफ, बहुत ओवरवेलमिंग होता है, देयर इज लैंग्वेज बैरियर, देयर इज दिस एंड देयर इज दैट, सो इट गेट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। सो फर्स्ट डे केशिका मेरे को भी टाइम लगता है यू नो टू अंडरस्टैंड द न्यू कंट्री प्लेस, it's sort of like this is how I process, so I'm gonna just take a chill and let it go and start a new day with a fresh start, forgetting everything that happened last night, and I'm gonna be careful the next time again, aap please be careful rehna, do baar chori hote hote bachi hai, matlab chori matlab mere paise kam hi gaye but sare nahi gaye, being a very optimistic here, but airport pe bhi na bahut creepy bande the and they were like mere paas van hai, main aapko apni van mil jata hu, mera van bahut bada hai, so I was ignoring him, just kehta hai kahan ja rahe ho madam, kahan ja rahe ho madam, and I was like please sorry thank you nahi chahiye mere ko, so please be very careful, Europe is known for and Paris especially is known for choriyan, so don't fall for any traps this and that, kal hamare paise nahi jaate agar bahut overwhelming nahi hota, agar ye sab nahi hota ya you know jo bhi situation tha, anyways jo ho gaya ho gaya, and main apne hotel ka view dikhati hu bahar, abhi ekdam mere ko wo dikh raha hai road and bahut pyari hawa chal rahi hai, ye raha mere hotel ka bahar ka, now these are bikes jo typically right here which is really really interesting, ekdam samne ka ye hai, it's fall season I think right now and it looks so pretty, kal hamari jo gaadi park hui thi na wo wahan pe park hui thi aur hame wo pura cross karke yahan aana tha aur barish ho rahi thi bahut tez, to ye sab scene tha, main naha dhokar aa chuki hu and now I'm gonna get started with the मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया था, अभी बहुत ठंडा है, एनीवेज ऐसा हो नहीं सकता कि एक पिंपल ना आए और मेरा बहुत ज्यादा पिंपल हो गया, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, पहले मैं सोच रही थी सब फोड़ दूं बट देन मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत गंदा निशान छूट जाएगा, सो आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू हाइड दिस एज मच एज पॉसिबल, तो मेरा हाफ मेकअप ऑलमोस्ट डन है, कीप माय मेकअप सिंपल होने को, ज्यादा ठगा करने का मन नहीं, दिस इज द ड्रेस आई एम वेयरिंग एंड अभी हम स्टीम आयरन कर रहे हैं, ये ना हमने लास्ट ईयर भी बहन की शादी थी ना दिल्ली में, मेरी कंसिस्टर तो हमने ना ये मॉर्फी रिचर्ड का ये स्टीम आयरन गया था पोर्टेबल वाला, मस्त है, कभी कभी नहीं चलता बट अभी चल गया, यहाँ पे ना आई स्वेयर प्लग्स का इतना ज्यादा इशू आ रहा है, अगर हम अपना नॉर्मल आईफोन वाला चार्जर लेकर आते तो नहीं घुस रहा है, बिल्कुल भी नहीं घुस रहा है, सो लकीली मम्मी ने ना हम लोगों को ये वाले दे रखे थे जिसमें से बस एक ही चल रहा है हमारा, तो मैं आपको दिखाऊंगी आपका यहाँ पे प्लग कैसा है, बहुत डिफरेंट टाइप का है, तो ये चल रहा है कैसे तैसे करके, पर हमारा आईफोन चार्ज ही नहीं हो रहा है, मैंने अपना लैपटॉप से पता नहीं कौन सा क्या जुगाड़ किया, हमने कल पावर बैंक भी खरीदा एयरपोर्ट से, पर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और इतना जल्दी जल्दी में क्या उस बंदे ने, इतना हमारे देश के इंसान ने हमसे धोखा दिया, बहुत बुरा लगा मुझे इस चीज का, क्योंकि उसने हमें टेस्टर वाला वो दिया, पावर बैंक दिया और उसमें चार्जर ही नहीं दिया, पावर बैंक चार्ज करने के लिए वायर ही नहीं थी, क्या करूं मैं, कहां से चार्ज, और बस ऐसे ही है, हमारे पास टेस्टर लेकर आ गया, ऐसा नुकसान हो रहा ना हम लोगों का, पता नहीं क्या है यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, दीदी हमें जब ट्रैवल करते हैं ना हमेशा उल्टी, 2000 का था वो 2300 ऐसे कुछ थी, दीदी हमें जब भी ट्रैवल करते हमेशा कुछ ना कुछ होता है गड़बड़, कोई नहीं विल लर्न, 9:30 बजे केटल मंगाया था, दोपहर के 12 बजने वाले हैं, केटल किया वो कह रहा है लड़का निकल गया है, कहाँ से निकला है मुझे नहीं समझ आ रहा है, दो बार कॉल कर दिया है, लड़का निकल गया है केटल के लिए, यहाँ होटल अजीब है, एयरबीएनबी में रुको, हम बस आज के लिए इस होटल में, कल हम एयरबीएनबी में शिफ्ट हो जाएंगे, आज और कल दोनों है होटल में, बस आज आज के दिन है हमारा, और आज के दिन भी आप पूरा दिन ऑलमोस्ट बाहर है, आएंगे चेंज करेंगे फिर आउट द डोर, तो ऐसा कुछ है नहीं, रहने ही वाले कल हम निकल जाएंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, 2400 का बर्गर है भाई यहाँ पर और 1500 का पिज्जा, महंगाई बहुत है दोस्तों, एक ब्रेड बटर खरीदेंगे वही खाएंगे आज पूरा दिन तोड़ तोड़ के, उसके बाद जो ऐसे कॉन्स्टिपेशन होने वाला है ना उसके पास पता चलेगा, होते रहे कॉन्स्टिपेशन, चलो मैं तैयार होती हूँ, मैंने वो ब्लैक ड्रेस पहन रही हूँ एंड देन फिर मैं स्टॉकिंग्स वॉकिंग से ना पूरा लेयर वेयर करूंगी, मैंने ऊपर का वार्मर पहन लिया है अभी ना, बिकॉज़ वी
ड्रेस शॉर्ट है बट बहुत ठंडा हो रहा है. पहले मैं सोचा था कि मैं थोड़ा सा टॉलरेट कर लूंगी बट आई डोंट थिंक सो मुझसे हो पाएगा ठंड टॉलरेट. तो अभी क्या सोचा है मैंने कि मैं ये ना ट्रांसपेरेंट वाली स्टॉकिंग्स पहनती हूँ, फिर उसके ऊपर आई वेयर दीज लॉन्ग बूट्स वाले सॉक्स. आई एम नॉट श्योर कि कैसा लगेगा ये लुक बट मैं अभी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करूंगी. अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मैं नॉर्मल वॉर्मर पहन लूंगी ब्लैक कलर के, फुल ब्लैक लुक करके. लिटरली अभी धूप निकल गई थी और हम लोग खुश हो रहे थे कि यू नो वो निकल रहा है, क्या बादल हट रहे हैं और धूप हल्की हल्की आ रही है. हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे. जैसे बाहर आए अपना कैब पकड़ने के लिए बहुत तेज बारिश होने लग गई है. ऊपर छाता है. कुछ रिसर्च किए हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स स्किन केयर इज वेरी गुड, तो आई विल गो देयर. मान दीदी और मुझे बागे तो बटर खाना है. कुछ कुछ चीज़ें अलाइन है बट मेरा शो अभी एकदम 2 बजे है. तो 2 बजे है तो आई डोंट थिंक सो मेरे को कुछ टाइम मिलेगा खाने का. पर भांदी के पास 1 घंटा होगा, इधर उधर घूमेंगी. कुछ सोचा है आपने? आप मार्केट एक्सप्लोर करोगे ना? तो ये है हमारा शो का लोकेशन. इट्स समथिंग समथिंग, क्या बोलते हैं इसको दीदी? मेजो डू मेटालो. यस एग्जैक्टली व्हाट शी सेड. दिस इज द लोकेशन. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज पर आप देख सकते हो पीपल हैव स्टार्टेड वेटिंग ऑलरेडी. देखो ना पुलिस ऑफिसर है. जीजू देख लो अपनी बीवी को. चलो मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो देख सकती हूँ. बट क्या छोने बाबू टाइप से. छोना बाबू, छोना बाबू, छोना बाबू था वो. इतना मस्त लग रहा था ना, वो मजा आ गया था. जाना चाहिए. अभी देखते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे तो just met Jenny. Hi, she's so pretty. She's from Colombia. She's currently in Paris and she just completed her masters in July and she's from fashion background. So we just met. She's really sweet and it was really nice meeting you. The show is about to start, so I'll keep showing you guys whatever is happening. Moments later. Okay, so just got out of the show and it was beautiful. मतलब 3 shows थे back to back. बहुत प्यारा, बहुत मजा आया. I think the last designer should be my favorite. मतलब मजा आ गया वो outfits देखकर. दीदी मेरे पीछे घूम रही थी. मेरे को ना शर्म आ रही थी अकेले जाके बैठ के खाने में. ठीक है, फिर मैंने पूरा वॉक किया. फिर इतनी बारिश हुई, सामने एक कैफे था, मैं हॉट चॉकलेट पी. कैसा था? तुझे बहुत अच्छा लगेगा. बहुत मीठा नहीं, बिल्कुल मीठा नहीं है. हमारे लिए जो हमारा टेस्ट है एकदम परफेक्ट. चलो फिर हॉट चॉकलेट पीते हैं. तो अभी हमारा वीडियोग्राफर एंड वो आएगा अभी. तो ओ वाओ, तभी मैं कह रही हूं चलना है. पहले कुछ पिए या पहले कुछ खा लें? ठीक है. माई फर्स्ट हॉट चॉकलेट इन पैकी. दीदी ने तो ऑलरेडी पी लिया. और मैं ट्राई करूँगी इसको. बहुत कम्फर्टिंग है. हॉट चॉकलेट पीकर हम निकल गए. तो हम अभी डिज़ाइनर की ट्रायल्स के लिए आए हैं यहाँ पर फॉर फैशन वीक का शूट. तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम लोगों को नहीं पता कैसे शूट होगा. हम बस आ गए हैं. अब भगवान जाने कैसे. आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है. तो अभी मैं जब डिज़ाइनर के शोरूम में जाऊँगी एंड देन आई ट्राई ऑन आउटफिट्स. आई ट्राई टू शो यू गाइज एज मच एज पॉसिबल. होपफुली मेरे साइज का मिल जाए आउटफिट जिसमें ऑल्टरेशन ना हो. एंड बस दिखाते, देख रहे हो ये ड्रेसेस है यहाँ पर. वहाँ पे है बुटीक. जब मैं देख रही थी तो 5 degree था, 5-6 degree बांध दी. कल होगा तो शाम तक तो देख. एक तो हमारे रूम में हीटर नहीं है यार. पर रात तक कोजी हो गया था क्योंकि हमने सब बंद कर दिया था ना. वेंटिलेशन है ही नहीं. दूसरे की सांस
थी हमारे पास, उसी से गर्म कर रहे थे, पर रूम रात को कोजी हो गया था, ठंडा नहीं लगा। देख रहे हो यहाँ पे कपड़े ही कपड़े हैं, सारे गाउन्स एंड गाउन्स, ये ज्वेलरी फैसिनेटिंग। I love this, but because अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, I think we'll avoid this dress. We don't want to spoil the dress actually. It's my body shape and it's just perfect for my body type. But we're getting that dress. This very unique, very not Himadri. हाँ, so not. Yeah. ठीक है. Bro, वहाँ पे एक robotic dog है. मस्त है ये बंदा. A few moments later. रात के 8:30 हो रहे हैं एंड मैं बिना कर आई हूँ और गेटिंग रेडी फॉर द सेकेंड एंड थर्ड लुक जिसका शूट होना है. आदित्य माई वीडियोग्राफर गाय एंड आयुष, आई एम सो टायर्ड. तो अभी बस अभी हेयर हो रहा है एंड देन आई विल चेंज, आई विल वेयर एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच दैट वी डिड. द्री का पूरा ब्लॉग है उसका जो हमने पूरा सोचा है एंड इतने कम टाइमलाइन में बहुत फाड़ सा आउटफिट क्रिएट किया है हमने, तो मैं वो भी दिखाऊंगी. तो अभी फर्स्ट आउटफिट इज द वाइट साड़ी एंड देन वी finalized another dress which looks really pretty. We got it from another designer. तो उसका भी शूट करने का सोच के खत्म करने की कोशिश करेंगे हम. Let's see. And I'll see you guys updated. Already रात के 10 बज रहे हैं और हम कैब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हमें आईफिल टावर के पास शूट करना है. सब है यहाँ पर, सब लोग, दीदी भी. हमारे पास एक और आउटफिट था जो आज हम डिज़ाइनर के साथ आने वाले थे एंड वो भी मतलब नहीं हो पाएगा शूट क्योंकि इट स्टार्टेड रेनिंग एंड अभी मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हुआ है एंड आई लव माय आउटफिट बाय द वे. इट लुक्स रियली प्रिटी, लाइक दिस इज सच अ प्रिंसेस आउटफिट. इट्स सो ड्रीमी, इट्स क्यूट, इट्स सो मी, इट्स सो हिमाद्री. ये हेयर स्टाइल किया उन्होंने ठीक है, मतलब सही है, मतलब चीज़ें बेटर हो सकती थी बट एनीवेज हो गया ये लास्ट मिनट जुगाड़. एंड अभी हमारी कैब आ रही थी वो भी हमें छोड़ के चला गया, उसने देखा हम चार लोग हैं, वो लिटरली हमारी आंखों के सामने से निकल के चला गया. सब कैब बुक कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंटेंस डिस्कशन, बहुत सीरियसनेस है यहाँ पर. क्यों कर रहे हैं ना, कितना इंटेंस सिचुएशन हो रहा है. बहुत सुंदर लग रहा है यार, आपको बहुत अच्छा लगता है. सो हम आ गए हैं द फेमस आईफिल टावर एंड बहुत भीड़ है. अपना कोट और बैग सेट कर दिया कि चोरी ना हो. आदित्य सॉर्ट ऑफ रेडी, आई डोंट नो, लाइट मैन एंड आई विल टावर. स्पॉट बॉय उधर है, स्पॉट बॉय वन, और मैं दूसरी स्पॉट बॉय टू, और ये दोनों अपना शॉट देख रहे हैं और मैं अपनी ड्यूटी में लगी हूँ. हुआ क्या, हम ऊपर गए, हमने फोटो खिंचाने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्टूडियो में खड़ी हूँ और किसी ने पीछे से फोटोशॉप मार दिया टावर को. लोगों को लगेगा जिसको नहीं पता जो पैरिस आई है वो यही बोलेंगे, उनको लगेगा मैं देहरादून के किसी स्टूडियो में जाके स्टूडियो छोड़, उनको लगेगा कि तू किसी एंटीना के सामने जाके फोटो खिंचाई है और आईफिल टावर मार दिया. तो अभी हम नीचे साइड उतर रहे हैं देखने के लिए कि अगर कोई अच्छा शॉट आ जाए. छोड़, आदित्य को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि नीचे से बहुत अच्छी फोटो आएगी. तो लोकेशन ज्यादा यार कैसे करते हो यार तुम, ये रुक इसे पकड़. आयुष को मैं सजेशन दे रही हूँ कि आप घर खरीदिए तो हम साल में एक एक ट्रिप मार दे रहे हैं. सबसे अमीर आदमी है अमीर लोग, अमीर लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं यार. अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार क्यों व्लॉग वेस्ट कर रहे हो, ये आप हाथ में कौन सा झंडा लेकर चल रहे हो. अब कैसा लग रहा है, कौन सी वाली, ये वाली, ओ शाम को पूरा घुमाता है और जब ये ग्लिम ग्लिम करता है जब स्पार्कल तो वो भी दिखाता है. क्या तो बात है, कैफे वैसे भी है वहाँ पे. कैफे कैफे में खा के ऊपर से क्या होते हैं.
अरे गाली मत दो भानु दी। माइलो गाली है। अच्छा माइलो नहीं। खतरनाक शॉट। अभी हिमाद्री आपको भागते हुए देखेगी लेफ्ट टू राइट। और ये भागी पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स बैकयार्ड साइंस बाय वानु दी। ओ वाओ यार, अरे क्या हो गया, बहुत ठंडी लग रही है। हिमाद्री की पूरी कुल्फी जम चुकी है, बट फिर भी वो लगी हुई है। क्या क्या करना पड़ता है कंटेंट दिलाने को आप लोग को। उसे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, उसे घर जाना है, बट और फोटो खिंचवानी है। ये लोग हिमाद्री के शूट के लिए तालियां बजा रहे हैं। मतलब ये आईफिल डाल रहे हो, दिख रहा है। हाँ भाई, और क्या, दूर खलीफा थोड़ी लगेगा वो। छह लाइट डाल दी। कैसा लग रहा है हिमाद्री, पेरिस जाना है, पेरिस जाना है, पहुंच तो हो गया पूरा। तो दिख रहा है, ये तो दिखाओ 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 दिखाओ। ओ वाओ, इसमें तो बहुत सेक्सी है। क्या बात कर रहे, ओए होए होए होए, भानु दी को मत दिखाओ। चलो चलो आगे लो आगे लो आगे लो, ये आप लोग रील्स करेंगे। और कैसा लग रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, नाक लाल हो गए। अरे पीप कर देंगे, नाक लाल। और हिमाद्री के हील्स चोरी हो गए, हम ढूंढेंगे। भानुदी भानुदी आ गए, भानुदी आ गई हैं टू द रेस्क्यू। भानुदी ने ढूंढ लिए हैं उसके हील। शिट भानुदी, यही तो मौका था पुलिस वालों के पास जाने का। अरे शिट, बोल दो, बहुत हैंडसम है यार। रात के 12:20, हम सब अभी भी काम बचा हुआ है, पर इतनी ठंडा है दैट हम यहाँ पे खैप खा रहे हैं। बहुत ठंडा है। उनका वो ग्लीम ग्लीम जो स्पार्कल होता है वो खत्म हो गया। अभी 12 समथिंग चला चुका है। खाइए। थैंक यू। तेरा कौन सा डोसा है? चॉकलेट डोसा। चॉकलेट डोसा खा रही है तू? कितनी मेहनत कर रही है बेचारी अच्छी। देखो ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप ये व्लॉग पे मिनिमम लाइक्स चाहिए 2 लाख। देखो चलने लगी वो गाइस। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्ट। हिमाद्री की शक्ल देखो। एंड हमारे डीओपी आयुष तिवारियों के साथ। थैंक यू, बहुत मेहनत लगी आज। शुभ रात्रि। ये व्लॉग यहीं एंड करेंगे। यस।